इस देश में एससी एसटी ओबीसी समाज की आवाज आज पूरी तरह दबा दी गई है। 11 और 12 फरवरी मनुवाद के खिलाफ यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। संविधान पर हमला करने वालों के खिलाफ संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। यह आपकी लड़ाई के लिए है, यह आपके हक अधिकार के लिए है, क्योंकि हमने इस लड़ाई में जो मुद्दे चुने हैं वो मुद्दे मनुवाद को पचते नहीं है। इस देश में बकरी, गाय, कुत्ता, गधा, सुअर सब गिना जा रहा है, लेकिन ये ओबीसी को नहीं गिनना चाहते हैं। हमारी मांग है कि जो जाति जनगणना की जा चुकी है, सरकार उसका यथाशीघ्र प्रकाशन करे, ताकि इस देश के लोगों के संसाधन में बराबरी की सबको भागीदारी मिल सके। कि EWS एक फ्रॉड है। सवर्णों के लिए किस बात का आरक्षण, आप किस बात का आरक्षण ले रहे? 11 और 12 फरवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 दिन का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जिस तरह से आज संविधान की दुर्गति की जा चुकी है, संविधान के हर पन्ने के धज्जियां उड़ाई जा चुकी है, आज जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिस तरह से न्यायपालिका मनुपालिका बन चुकी है, जिस तरह से भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया वो मनु स्ट्रीम मीडिया बन गई है, ऐसे समय में हम समझते हैं कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी समाज की आवाज़ आज पूरी तरह दबा दी गई है। हम लगातार एससी एसटी ओबीसी समाज के अधिकारों के लिए, हमारा संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम आने वाले 11 और 12 फरवरी 2023 को, दिन शनिवार और रविवार का होता है, 11 और 12 फरवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 दिन का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से आग्रह करते हैं, जो मानवतावादी हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, जो समतामूलक समाज चाहते हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि आप से अपील करते हैं कि आप आइए 11-12 फरवरी 2023, दिन शनिवार रविवार का है, छुट्टी का दिन है, आइए, हम आपके अधिकारों के लिए गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में हम यह आयोजन कर रहे हैं। जो भी साथी पूरे देश से अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं अपना मोबाइल नंबर पर्सनल बोल देता हूँ, 8789 3255 95, ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप और कॉल दोनों नंबर है, मैं हमेशा फ़ोन उठाता हूँ। ये आपकी लड़ाई के लिए है, ये आपके हक अधिकार के लिए है, क्योंकि हमने इस लड़ाई में जो मुद्दे चुने हैं वो मुद्दे मनुवाद को पचते नहीं हैं। उन मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर FIR हो जाता है। उन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि पूरे देश में जिस तरह से आरक्षण के खिलाफ साजिशें यह सरकार कर रही है, यह मनु मीडिया साजिश कर रही है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, हम जो साजिश चल रही है आरक्षण के खिलाफ, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि आरक्षण पर हमला रुकना चाहिए। हमारी जीव, हमारे सब कुछ का साधन, हमारे एग्जिस्टेंस का साधन आरक्षण है। हमारी दूसरी मांग है कि पूरे देश को ताबड़तोड़ टुकड़ों टुकड़ों में जिस तरह से बेचा जा रहा है आज, उस बिक्री पर रोक लगे। निजीकरण के नाम पर, विकास का नाम देकर इस देश को टुकड़े टुकड़े में बेचा जा रहा है, हम उस निजीकरण के खिलाफ हैं। हमारी तीसरी मांग है, यह जो EVM है, यह एक बेईमान मशीन, हम ऐसा मानते हैं, हम EVM की बेईमानी के खिलाफ हैं। हमारे गोल में सम्मेलन का यह प्रमुख मुद्दा है, EVM को बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हमारी अगली मांग है, इस देश में जाति जनगणना की जा चुकी है, सोच कर देखिए कितने हैरत की बात है, इस देश में बकरी, गाय, कुत्ता, गधा, सुअर सब गिना जा रहा है, लेकिन ये ओबीसी को नहीं गिनना चाहते हैं। हमारी मांग है कि जो जाति जनगणना की जा चुकी है, सरकार उसका यथाशीघ्र प्रकाशन करे, ताकि इस देश के लोगों के संसाधन में बराबरी की सबको भागीदारी मिल सके, पता चले कि किसने किसकी हकमारी की है, किसका कितना हक बनता है। हमारी मांग है कि पूरे देश में जिस तरह से दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगे। हमारी मांग है
यह जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर रोक लगे, यह जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय के जितने भी उच्च न्यायालय के इकाइयां हैं, सभी लोग मनुवादी व्यवहार कर रहे हैं। इन हायर एजुकेशन हायर जुडिशियरी के फैसले देखिए, ये किस तरह से आरक्षण के खिलाफ फैसला देना होता है तो रात को भी कोर्ट खोल देते हैं, और जब आरक्षण के पक्ष में बात करनी हो तो इनका कोर्ट बंद हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, डेट पड़ने लगता है। EWS, हमारा मानना है कि EWS एक फ्रॉड है। दवा बीमारों के लिए होती है, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं होती है। सवर्णों के लिए किस बात का आरक्षण? आप जज हैं, आप मीडिया में बैठे हुए हैं, आप सत्ता के तमाम संसाधनों में आपका कब्जा है, आप किस बात का आरक्षण ले रहे हैं? तो जिनको हिस्सेदारी से रोका गया है, हम उनके लिए मांग करते हैं। EWS आरक्षण पूरी तरह से फ्रॉड है, इस पर रोक लगनी चाहिए। पूरे देश में प्रमोशन में आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहीं सरकारें लागू नहीं कर रही है। प्रमोशन में आरक्षण पूरे देश में एक साथ लागू किया जाए। जो दलितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, SC ST OBC से जुड़े मुद्दे हैं, सरकार ठोस कार्रवाई करे, ठोस कदम उठाए। इनके अलावा भी SC ST से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में करेंगे। एक बार फिर मैं डेट बता देता हूं, 11 और 12 फरवरी मनुवाद के खिलाफ यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। संविधान पर हमला करने वालों के खिलाफ 11-12 फरवरी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। SC ST OBC का जो आरक्षण खाया जा रहा है उसके खिलाफ हम 11-12 फरवरी का राउंड टेबल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर रहे हैं। किसी को भी लगता हो कि आरक्षण आपके लिए जरूरी है, किसी को भी लगता हो कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, आप संपर्क करिए, आप आइए 11 और 12 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। ये जो आने वाला समय है, इस देश के SC ST OBC के लिए बहुत ही क्रिटिकल समय होने वाला है। इसकी आहट तभी लग गई थी जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसके बाद से इसकी आहट लग गई थी। इस देश में SC ST OBC के लिए एक बड़ा क्रिटिकल समय आने वाला है। हम लोगों को इसका एहसास था, लेकिन इस समाज के लोगों को उसका एहसास नहीं था। मैं जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करता हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने इसकी चेतावनी दे दी थी और हम लोगों ने कमर कस ली थी कि 2014 में भाजपा की सरकार आ गई है तो अब इस देश में दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का कुछ नहीं होने वाला है, ये हमारी बर्बादी की सरकार आ चुकी है इस देश में। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कार्यक्रम की रूपरेखा थी, हमने लगातार कार्यक्रम किए। ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये दूसरा कार्यकाल है। यानी कि ये देश के SC ST OBC समाज के लोगों के दुर्गति का दूसरा कार्यकाल है। आने वाले समय में चुनाव है, यह साल बहुत महत्वपूर्ण है इस समाज के लोगों के लिए, क्योंकि करो या मरो की स्थिति है। हमारी मुख्य मांग थी कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए, और हमारी मांग जायज भी है, क्योंकि इस देश की संसद का नाम भी अगर हो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, कोई किसी और गोलवलकर के नाम पर नहीं होना चाहिए। हम लगातार 1997 से लेकर अब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार हम आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 11-12 फरवरी को सुबह 11 से 4 बजे तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम है, मोबाइल नंबर मैंने बता दिया, आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें आम आदमी कैसे मतलब भाग ले सकता है? मैंने अपना मोबाइल नंबर बोल दिया है, 8789325595, यह मोबाइल नंबर है, जो भी साथी जुड़ना चाहे पूरे देश से मुझसे सीधे संपर्क करें और आप आइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 11-12 फरवरी को। हम 11 बजे से 4 बजे तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो दूर से लोग आएंगे वो रहने खाने की क्या व्यवस्था की गई? ये मिशन है, ये संघर्ष है, ये लड़ाई है, हम कोई स्पॉन्सर नहीं है मनुवादियों और RSS भाजपा से। आपकी भी लड़ाई है, जितनी मेरी लड़ाई है उतनी आपकी लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई में साथ मिलकर रहेंगे, साथ मिलकर करेंगे।